गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड। आज फिर से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए भौतिकी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, एक वीडियो मैंने आप लोगों को कल दिया था, वो पार्ट वन वीडियो था, ये पार्ट टू वीडियो होगा। ओके, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और आपको बता दूँ कि इस वीडियो का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं कल की वीडियो के क्वेश्चन को। कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था कि एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को कैसे कम किया जा सकता है। ध्यान दें, मैंने पूछा था एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को कैसे कम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर। कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया है, जैसे विकास कुमार, आहान सिंह, प्रिया रवानी, इन लोगों ने आंसर किया है। ओके, तो आज के वीडियो के भी लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन से आपके पास में वृत्तीय गति, स्थानांतरीय गति, दोलन गति या यादृच्छिक गति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोलन गति। लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सपोज यू हैव अ पेनाडुलम, अ सिंपल पेनाडुलम। ओके, एंड दिस इज अ बॉब ऑफ दैट पेनाडुलम। सो इस पॉइंट के आगे पीछे ये गति करती है। ओके, इस पॉइंट के आगे पीछे ये गति करती है तो इसकी गति को कहा जाता है दोलनी गति। ओके, इस पॉइंट के, अब ध्यान दें, इस पॉइंट के आगे पीछे ये इस वे में और इस वे में मूव करती है तो इस पेनाडुलम की गति को कहा जाता है दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण से घूम जाता है उस कोण को क्या कहा जाता है। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। सपोज कि एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार मार्ग है। ओके, और यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करिए, सपोज कि इस डायरेक्शन में मूव करिए ये पार्टिकल। ओके, और एक सेकेंड में ये पार्टिकल अपने स्थान से यहाँ तक पहुँच गया, ये इसका पहला पोजीशन था और एक सेकेंड में ये इस पोजीशन पे पहुँच गया। तो ये रहा इस वृत्त का सेंटर। ओके, तो ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है, ओके, एक सेकेंड में ये जितने एंगल को बनाएगी उस एंगल को क्या कहेंगे। ओके, तो इस एंगल को दोस्तों कहा जाता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, इस एंगल को हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, इस एंगल को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजक न्यूटन ने वर्ष 1687 ईस्वी में अपने किस पुस्तक में गति के नियमों की व्याख्या की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपिया। ओके, प्रिंसिपिया जो बुक थी ये आइजक न्यूटन की बुक थी, इन्होंने 1687 ईस्वी में इसी बुक में अपने गति के नियमों की व्याख्या करी थी। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो न्यूटन की गति का पहला नियम था दोस्तों, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वो न्यूटन ने लिया था गैलीलियो गैलीली से। ओके, वो न्यूटन का अपना नियम नहीं था, उन्होंने अडॉप्ट करा था गैलीलियो गैलीली के नियम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड के ऊपर तथा पृथ्वी पर वापस लौटने के बीच के समय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से आपके पास में पिंड का आवर्तकाल, पिंड का घूर्णन काल, पिंड का उड्डयन काल या पिंड का दोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिंड का उड्डयन काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का मान कितना रहता है। देखो, इस जी को कहते हैं दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर जी का मान रहता है दोस्तों
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई रिपीट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर जी का मान होता है। ओके अच्छा, इस जी और इस जी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ओके तो मैं बता दूं, ये जो जी है स्मॉल जी, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ओके और ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है। ओके ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है और ये है गुरुत्वीय त्वरण। ओके ब्रह्मांड में किसी अन्य पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी तारे की गति में अनियमितता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड में किसी भी अन्य पिंड के ग्रेविटेशनल के कारण किसी स्टार की मोशन में जो भी हमारे अनियमितता होती है, ओके उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वॉबलिंग। ओके कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में जिसमें कन्फ्यूजन होती है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला सोलर सेल जो 1954 में बनाया गया था वह कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था? आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है 10%, बी में है 1.0%, सी में है 12% और डी में है 11%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.0%, या इसको 1% भी कह सकते हैं आप लोग। जो सबसे पहला सोलर सेल बना था 1954 में, वो सौर ऊर्जा का 1% भाग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सेकेंड में सूर्य से कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? देखिए इसके ऑप्शन से सारे कंफ्यूज करने वाले हैं। हमें ये तो मालूम रहता है कि 3.86 करके कुछ होता है, लेकिन कितना होता है ये नहीं मालूम रहता है जनरली, और इसी कंफ्यूजन में बच्चे एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं। ओके तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 3.86 × 10^26 जूल। आप लोग याद रखेंगे 3.86 × 10^26 जूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं। द्रवों का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है? ओके तो द्रवों के इस गुण को कहते हैं दोस्तों सन्यता, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ओके द्रवों के इस गुण को श्यानता कहा जाता है, सॉरी सन्यता बाय मिस्टेक मैंने कह दिया, श्यानता कहा जाता है, विस्कोसिटी। ओके परमाणु में व्याप्त सभी कणों में सबसे भारी कौन सा कण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ भार होता है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में इलेक्ट्रॉन, बी में है प्रोटॉन, सी में है न्यूट्रॉन और डी में दिया हुआ सभी कणों का भार एक समान रहता है। तो आपको बता दूं न्यूट्रॉन का भार सबसे ज़्यादा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ओके और कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में रहने वाला चार्ज नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन में रहने वाला चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, और न्यूट्रॉन जो है वो प्लस माइनस दोनों चार्ज को यदि मैं मिक्सअप कर दूँ तो ये वैनिश हो जाता है इसका चार्ज। ओके न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है लेकिन भार होता है। ओके और न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा भारी कण होता है। ओके फिर है, यदि चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नैनीताल में वह पानी कितने तापमान पर उबलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ भी है। ओके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? देखो नैनीताल जो है वो एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर उबलता है। ओके आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्युत चुंबक बनाने में सबसे अधिक उपयोग होने वाला धातु कौन सा है? जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है उसको बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला धातु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदु लोहा। साधारण लोहा इसका आंसर नहीं होता है, कई बच्चे साधारण लोहा आंसर करके आते हैं। ओके मृदु लोहा जो होता है वो विद्युत चुंबक बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की गति का, इलेक्ट्रॉन के तापमान का, ऊर्जा का या प्रोटॉन की गति का। तो हमें ये तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं। ओके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का एक मात्रक होता है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
किसी कॉर्क को एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ माना जाता है क्योंकि वह ध्वनि को क्या करता है? वह ध्वनि को अवशोषित करता है या परावर्तित करता है, वर्ण विच्छेदित करता है या अपवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वह ध्वनि का अवशोषण करता है। कॉर्क जो है वह ध्वनि का एक अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए इसे एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ माना जाता है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर एक टर्म आई है एकॉस्टिक, एकॉस्टिक मैंने कहा, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक क्या होता है? एकॉस्टिक जो है वो एक फिजिक्स का ब्रांच है। ओके, एकॉस्टिक फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग ध्वनि की घटनाओं को पढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, ये जो एकॉस्टिक मैंने यहाँ पर लिखा है, एकॉस्टिक फिजिक्स का एक ब्रांच है जो ध्वनि की घटनाओं को बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बर्फ के संलयन के लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बर्फ के संलयन के लिए विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ओके, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और विशिष्ट ऊष्मा का एक और मात्रक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये होता है जूल पर केजी पर केल्विन। ओके, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन, ओके, ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का एक मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश के किस गुणधर्म की वजह से स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और अपवर्तन पर टिक करके आ जाते हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सपोज कि आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, ओके, और आप इसमें हीट दे रहे हैं, आप इसमें हीट दे रहे हैं, तो हीट दीजिएगा तो सबसे पहले इसमें क्या परिवर्तन होगा? ये बर्फ का टुकड़ा जो है सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट होगा। फिर भी आप कंटिन्यू हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, तो फिर वो वाटर क्या होगा? वेपर में यानी गैस बन करके उड़ जाएगा। तो हमें दो स्टेजेस में बर्फ से पानी, बर्फ से वाष्प मिला, ठीक है। बर्फ को पहले आपने पानी में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसमें वेपर में कन्वर्ट किया। तो क्या ऐसा हो, कितना कोई ऐसा प्रोसेस है क्या कि बर्फ को सीधे हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर दें? जी हाँ, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपतन, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपतन। एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब, मैंने अपने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करा है, प्रेशर कुकर पर जो पानी है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और यही वजह है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। ओके, तो क्वेश्चन है आज का क्या, एक प्रेशर कुकर में जल 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब क्या होता है? वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब के समान रहता है, या तापमान पर निर्भर करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आप लोग याद रखेंगे इसको, प्रेशर कुकर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एनवायरमेंटल प्रेशर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव कान सुरक्षित रूप से ध्वनि के कितने डेसिबल आवृत्ति को सहन कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 डेसिबल। 100 डेसिबल नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 120 डेसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से क्या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है? आपके पास में ऑप्शन है, किसी छड़ी का जल में मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ऑप्शन नंबर बी है मृग तृष्णा का बनना, सी है पानी के ऊपर से अपनी परछाई देखना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मृग तृष्णा का बनना। अब ये मृग तृष्णा होता क्या है, चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। रेगिस्तान में अक्सर मृग तृष्णा को देखा जा सकता है, या गर्मी के दिनों में आप लोग सुनसान सड़कों पर देख सकते हैं। जब भी आप चलते हैं कड़ी धूप में या फिर रेगिस्तान में, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे से कुछ आगे तक, कुछ दूरी तक में एक जलाशय है, कोई तालाब हो सकता है, कोई नदी हो सकता है।
लेकिन थोड़ी देर और ट्रेवल करने के बाद जितना हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ इतने डिस्टेंस में वो जलाशय मुझे मिल जाएगा, वहाँ तक पहुँचने के बाद हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो जलाशय थोड़ी देर और आगे। तो इस प्रकार के भ्रम को ही कहते हैं मृग तृष्णा। इस प्रकार के भ्रम को ही कहते हैं मृग तृष्णा, या आप मारीच भी कह सकते हैं इसको, हिंदी में इसको मारीचिका भी कहा जाता है। सो ये रहा मृग तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्टिकल फाइबर में कांच के अलावे किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम। ऑप्टिकल फाइबर में कांच के अलावे रेशम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मल्टीमीटर का प्रयोग इनमें से क्या नापने के लिए किया जा सकता है? तो एक मल्टीमीटर का प्रयोग प्रतिरोध नापने के लिए आप कर सकते हैं। एसी वोल्टेज नापने के लिए भी बिल्कुल मल्टीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज भी नापा जा सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी रेजिस्टेंस नापने के लिए एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज नापने के लिए आप एक ही डिवाइस यानी मल्टीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक माइक्रोन दोस्तों बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाले तंत्र का क्या नाम होता है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाले तंत्र का क्या नाम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है वो घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल में चीनी का घुल जाना ये किस प्रकार की क्रिया है? आई होप आप सभी इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर करना बड़ा आसान है। ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ये नहीं कि जल में हम चीनी को घोल रहे तो उसको रासायनिक परिवर्तन, नहीं वो चीज़ नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों। चलिए 25 क्वेश्चन आज के हो गए हैं। अब आज के लिए आप लोगों का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे इज, वह क्षेत्र जहां विस्फोटक उत्पन्न होता है तथा स्थैतिक आवेश के कारण आग लग जाने का खतरा होता है, तो वहां रहने वाले प्रत्येक के लिए आवश्यक होता है कि वह, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके ऑप्शन से आपके पास में, वह सूती वस्त्र का प्रयोग करें, ऊनी वस्त्र का प्रयोग करें, वस्त्र को गीला करके पहने, या फिर रेशेदार वस्त्र का प्रयोग करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और इसका आंसर मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।